देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का प्रतीक है केंद्र सरकार का यह बजट। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और आज़ादी के बाद कोई महिला वित्त मंत्री के द्वारा, यानी फुल टाइम महिला वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इस देश से भी मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक शानदार बजट को प्रस्तुत करने के लिए, देश के लोगों की अपेक्षा और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला यह बजट है। समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला यह बजट है। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने $2.7 trillion की इकोनॉमी बनने और बहुत शीघ्र $3 trillion की इकोनॉमी बनने का गौरव हासिल करने जा रहा है और लक्ष्य रखा है भारत दुनिया के अंदर $5 trillion की इकोनॉमी का देश होगा। देश को $1 trillion की इकोनॉमी बनने में 55 वर्ष लगे और मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को मात्र 5 वर्ष में हासिल किया गया। जो आर्थिक सुधार देश के अंदर हुए, देश के समग्र विकास की जो रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर विगत 5 वर्षों के अंदर देखने को मिले, इस बजट में एक बार पूरी समग्रता के साथ उन अपेक्षा और आकांक्षाओं की एक झलक हम सबको देखने को मिल रही है। बहुत शानदार योजनाएं, खासतौर पर यह देश जब अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तब इस देश में हर परिवार के पास अपना मकान होगा। 1,95,00,000 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हर परिवार के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हर परिवार को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना से युक्त करने का लक्ष्य, हर परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन, पूरे देश के लिए वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य, देश के 3 करोड़ उन उद्यमियों के लिए जो ठेला है, खोमचा है, रेहड़ी है, यानी उन सभी लोगों के लिए भी पेंशन की एक स्कीम को लेके आना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे को बढ़ाने का कार्य करना और 2024 तक हर घर नल किस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा होना, यह अभिनंदनीय है। देश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला यह बजट अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं इस शानदार बजट के लिए। उनके मार्गदर्शन में यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है और नए भारत का एक नया और समर्थ भारत और सशक्त एक शक्तिशाली भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट और आज़ादी के बाद फुल टाइम महिला वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के सभी हितों को संवर्धित करने वाला बजट है। मैं इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देता हूँ।